शेफ़ास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोस किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की रेसिपी है खस्ता मठरी। इसे मैंने थोड़े से अलग तरीके से बनाई है और थोड़ी मसालेदार है, तो चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे में हम उसका चौथाई 50 ग्राम हम तेल यूज़ करेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आधी छोटी चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच कलौंजी, इसे हम मंगरेल भी कहते हैं। एक चम्मच कसूरी मेथी, और कुकिंग ऑयल इसे फ्राई करने के लिए। पानी से इसे हम थोड़ा गूथेंगे, तो मैंने आधा ग्लास के करीब पानी लिया है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। तो सबसे पहले हम मैदे में नमक ऐड कर लेते हैं। मैंने आधी छोटी चम्मच का है, आप स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। कलौंजी ऐड कर लेते हैं, काली मिर्च ऐड कर देंगे, और ये जो हमने कसूरी मेथी ली है इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी रहती हैं तो उससे टेस्ट थोड़ा कम अच्छा आता है, और वो फ्राई करते समय काफ़ी ज़्यादा जो है छोड़ भी देती है नमकीन को, तो थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से। और ये जो हमने तेल लिया था वो इसमें हम डाल देंगे, और इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मोयन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे हम हाथ से ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मोयन मिक्स हो जाता है तो बहुत दाने दानेदार नहीं लगता है, और जो मठरियाँ बनती हैं या जो भी खस्ता चीज़ें आप बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो जब भी कुछ खस्ता बनाइए तो ऐसे ही मोयन को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं, ज़्यादा पानी एक बार में ना डालें। थोड़ा थोड़ा हाथ से पानी ऐसे ले करके और दबा दबा करके अच्छे से गूँथें इसको, अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखिए, इसे हम ऐसे ही करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप देख लें कि इसे हमें मिक्स कैसे करना है अच्छे से, ताकि गूँथ जाए हमारे ये आटा। अब इसे थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक मसलने की ज़रूरत नहीं है, इतना कि थोड़ा ये एक जैसा हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो करके इकट्ठा हो जाए आटा एक जगह पे। तो इसे हमने थोड़ा ऐसे वो कर लिया है, मिक्स कर लिया है, और आटा हमारा गूंथ करके तैयार है। ये देखिए, मोयन भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है सब कुछ। तो अब इसे हम मठरी बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसे देर ढक कर के रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम इसको बनाने लगेंगे। तो थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको ऐसे लंबाई में करके, जिससे कि हमें छोटी छोटी गोलियां तोड़ने में, लोइयां तोड़ने में हमें आसानी रहे। इसकी बहुत छोटी छोटी लोइयां हम तोड़ लेंगे, और ये जितने बड़े बड़े साइज़ के आपको चाहिए हो उस हिसाब से भी आप इसकी लोइयां बना सकते हैं। तो अब इसे हम गोल करके, जितने हमें चाहिए उतनी हम चाहिए, मतलब जितना एक बार में आप बना सकते हैं उतना आप एक बार में गोल गोले उसके जो है लोइयां बना करके रख लीजिए, और बाकी को जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा ढक करके रखिए, अगर हवा है तो, नहीं तो वो सूखने लगेगा, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे साइड में रखा रहने दीजिए, फटाफट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने के लिए। तो उसे हम ढक देंगे आटे को, और इन्हें अब एक साइड कर देते हैं सारी लोइयाँ। अब इसको हम बेल लेंगे, तो इसको छोटी छोटी रोटियों के जैसे हमें बेलना है। सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोयन इतना रहता है कि ये इसमें जो है आपके चकले में जाकर के चिपकेगी नहीं। और इसे हम पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, अगर आप मोटा बेलते हैं तो आपको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए काफ़ी पतली है, और इसके किनारे भी आप अच्छे से दबा करके बेलिएगा, क्योंकि किनारे थोड़ा सा फोल्ड करते समय मोटे हो ही जाएंगे।
तो ये देखिए रोटी हमारी एक छोटी सी बन करके तैयार है। आप चाहें पहले एक साथ ये बना करके भी रख सकते हैं, लेकिन प्रिफर करूँगी कि आप इसे कट करते जाएं। तो इसे हम ऐसे करके देखिए, थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ करके ऐसे कट कर लेंगे, सीधे एक लाइन खींचेंगे और जैसे पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे काट लीजिए। और अगर आपको टफ़ लग रहा हो तो मैं आगे आप वीडियो देखते रहिए, उसमें एक अलग तरीके से भी बता दूंगी। तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि करेला जैसे आता है ना मार्केट में, वैसा इसका साइज़ देखने में शेप लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से फोल्ड किया जाता है। मुझे तो बहुत मतलब सिरदर्दी लगता है उसको फोल्ड करना। आप ऐसे भी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये स्नैक बन करके तैयार होगा। एज अ करेला भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, जो करेला मटरी आती है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखने में ये आपको वैसे ही लगेगा। तो अगर इसमें कट होने के बाद में आपको लग रहा है कि वो हो जा रहा है, छूट रही है, तो उसे आप उठाइए, जोड़िए और इसे नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से दबा करके इसे हल्का सा ट्विस्ट करके दबा दीजिए, क्योंकि ये खुल भी सकते हैं, मोयन भी अच्छे से है। तो ये कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा। अब इसे हम एक तरफ रख लेते हैं और फिर से हम और जो है बना करके देख लेते हैं। ऐसे ही करके हम सारी बना लेंगे, जो भी हमारी ये मटरियां हैं बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जैसे पंखुड़ियां होती हैं वैसे कट कर लिया है मैंने इसे। मुझे तो बहुत आसान लगता है ये, बहुत जल्दी जल्दी भी कट जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाती है और देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ऐसे करके हम फोल्ड करके ऐसे चिपकाते चले जाएंगे। और ये देखिए अब मैं आपको एक बता दूंगी कि आप जैसे चाहते हैं कि अरे ये क्या गोल गोल ऐसे कट किया हुआ है, झंझट दिख रहा है, तो मैं और एक आसान तरीका बता दूंगी, जिसे आप आराम से ये ऐसे सीधा सीधा कट कर लीजिए। ये देखिए ऊपर से नीचे से थोड़ी थोड़ी जगह दे करके ये, और अब वहीं से आप इसको उठा लीजिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इसे ऐसे जो छूट भी जाए, अगर कट जाती है तो उसे आप लेकर के चिपका लीजिए। और ये देखिए फटाफट बन करके तैयार है, एकदम आसान तरीके से। तो अब ये बन चुकी हैं। अब हम एक तरफ तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया था, बहुत मीडियम गरम चाहिए, बहुत थोड़ा गरम चाहिए, क्योंकि हमें इसे थोड़ा खस्ता बनाना है, ऐसा ना हो कि ये जल जाए और अंदर तक पके नहीं। तो तेल को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, बस तेल इतना ही गर्म होना चाहिए कि इसमें से एक बबल्स आने शुरू हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये ऊपर आ ही जाएगा। ये देखिए अब इसमें हम जो मटरियाँ हमने बनाई हैं, जो खस्ता करेला आप कह लीजिए इसे हमने बनाया, उसे हम ऐसे डाल करके फ्राई करेंगे। तो इसे बहुत ही कम फ्लेम में आप जो है गरम तेल में आप इसे डालिए, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हाई करेंगे फ्लेम, फिर लो करेंगे फ्लेम। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको, अगर खस्ता बनानी है, और खस्ता आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें फ्लेम का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। तो बाकी हम उसे फ्राई होने देते हैं और इसे और जो बटरियाँ हैं उन्हें हम बना करके तैयार कर लेते हैं। आप इसका करेला चाट भी बना सकते हैं, मैंने चटनी पहले पोस्ट की ही है। आप उसमें इसको जो है रखिए, थोड़ा सा हाथ से क्रश कर दीजिए, उसके बाद उसमें दही डालिए, मीठी चटनी जो इमली की होती है वो डालिए, काला नमक डालिए और जीरा डालिए, जैसे आप दही बड़े में मसाले डालते हैं डालिए और खाइए, इंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो बाकी की भी रेसिपीज़ हैं उनके लिंक्स आपको मेरे इसमें ऊपर देखिए कार्ड में दिखते चले जाएंगे, और नहीं तो लास्ट में मैं इसको जो रेसिपीज़ रहती हैं उसमें मैं इसे टैग कर दूंगी, जिससे आप आराम से और रेसिपीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे ही अलट पलट करके पका लीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपीज़ लेकर के आऊँ। बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे मन करता है कि आप सब लोग ये रेसिपीज़ को देखें, आप सबको बहुत पसंद आए, आप लोग और देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और जिनके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं उनके कमेंट्स मैं पिंग भी करती हूँ, उनके कमेंट्स सबसे ऊपर दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत टचिंग कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये गोल्डन हो गए हैं, इन्हें हल्का गोल्डन करना है। तो देखिए इनका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी मटरियाँ पक कर के तैयार हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इसे आप चाहें तो चाय के साथ में ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, ठंडाई की रेसिपी मैंने बताई है, ठंडाई के साथ में इंजॉय कीजिए, चाट बना करके इंजॉय कीजिए, जैसे आपको खाना है, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप इंजॉय कीजिए।
और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगती है। कई बार मालूम मैं आज आप लोगों से कह रही, कई बार बहुत मीन कमेंट्स आ जाते हैं, इतने ख़राब कमेंट्स आते हैं कि मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत देखिए, लेकिन ऐसे फालतू के कमेंट्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और ईमानदारी से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। और एक प्रोडक्ट रिव्यू मैंने डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो, शायद नहीं देखा हो। मैंने बहुत पहली बार, मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी नहीं आती कैमरे के सामने, मैं बहुत ज़्यादा इतनी फेमिलियर नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग कर सकूँ। मुझे जो जैसा लगा और जैसे मेरे एक्सप्रेशंस आए हैं मैंने वैसे ही किया। मुझे ओवर एक्टिंग और एक्टिंग करनी अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं आती है, बात का मुझे पता नहीं, पर मुझे अभी मैं इतनी कैमरे से फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करके एक्ट करके कोई भी वीडियो डाल सकूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ मैं करूँ, और जितने आसान तरीके से रेसिपीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ उतने आसान तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ। तो बस करेले की रेसिपी बन करके तैयार है, खस्ता मटरी कह लीजिए, करेला कह लीजिए, मसाला मटरी कह लीजिए, बन करके तैयार है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेज रेसिपीज़ ही पोस्ट करती हूँ, तो आपको जो भी वेजिटेरियन रेसिपीज़ चाहिए रहेंगी आप मुझे बताइएगा, और एक बार नहीं दो तीन बार आप मुझे बताइए लिख करके कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।